हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम का जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके जो रूल्स है उनको ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसके रूल से, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम इसके। तो मैं पहले आपको क्या है इसका जो रूल है वो राइट करवा रही हूँ, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इसका जो एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे। तो रूल राइट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैनी, several, few, etc. ये ऐसे वर्ड दिए गए होते हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें दिए होते हैं, उसके बाद में क्या दिया करना है हमने, या प्लूरल क्या दिया होगा, प्लूरल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन दिया होगा। उसके बाद में जो हमने वर्ब लगानी है वो क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, ये बताया गया है इस रूल में। अगर मैनी, सेवरल या फ्यू दिया हो तब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इस रूल को हम, कि मैनी, मैंने यहाँ मैनी जो वर्ड ऊपर इनमें से दिया गया वो लिया है मैनी। उसके बाद में मैं राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे। अब इसके अंदर देखिए आप कि क्या है, कि मैनी, मैंने यहाँ ऊपर जो रूल लिखा था उसके अंदर से ये वर्ड लिया है मैनी। सेवरल भी दिया आ सकता है, फ्यू भी दिया आ सकता है, ठीक है। तो मैनी के बाद में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए कहा गया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यही इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वर्ब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे। अब इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है आपको कि सेवरल यहाँ पे दिया आ सकता है, फ्यू भी दिया आ सकता है, तो वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल ही लगानी है हमने इनके बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम, मच, लिटल, लिटिल, एन, अमाउंट ऑफ, ये जो है वर्ड्स जो मैं यहाँ पे राइट करवा रही हूँ वो दिए हो तब क्या करना है हमें। तो इसके बाद में हमने क्या करना है कि यहाँ पे करते हैं हम इसको कंटिन्यू रूल को, कि अनकाउंटेबल नाउन दिया आएगा, इनके बाद में क्या होगा, उसके जो ऊपर किया था उसमें तो क्या आएगा, दिया था काउंटेबल नाउन था, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, दिया आएगा हमें। और तो हमें क्या करना है, जो वर्ब यूज़ करनी है वो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को हम कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आप कि एन अमाउंट ऑफ राइस इज रिमेनिंग इन द किचन। अब इसके अंदर देखो आप कैसे होगा, क्या करना है हमने किया, इस रूल के को हिसाब से देखते हैं हम एग्जांपल को, कि मच दिया आ सकता है, यहाँ पे हमें लिटिल दिया आ सकता है, एन अमाउंट ऑफ दिया आ सकता है। तो उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, और उसके अंदर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में की तरफ चलते हैं हम, एन अमाउंट ऑफ हमें दिया गया है, जैसे हमने ऊपर लिखा है रूल में, अमाउंट ऑफ के बाद में हमने क्या करना, अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन दिया आएगा हमें, तो हमने अनकाउंटेबल राइस जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ वैसे कर सकते हैं किलो की अगर बात करें, 1 kg 2 kg अगर तो हम कर सकते हैं, पर वैसे नहीं काउंट हो सकते, सिंगल अगर सेपरेट हम करना चाहें तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हम, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका यूज़ किया है, ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी ये वर्ड है, मच है, लिटिल है, एन अमाउंट ऑफ ये दिए हों, तो इनके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ अपने कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, कि ऑल सम मोस्ट A lot of,
lot of a great deal of a good deal of a good deal of ये दिए हो तो हमने क्या करना है, इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होगा। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है UCN, ऐसे लिखा आ सकता है, कई बुक्स में दिया होता है तो ये आप ध्यान में रखिए कि अनकाउंटेबल होता है ये, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये होगा। तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमने क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है हमने, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को, हम जो ऊपर मैंने अब राइट किया है अभी उसको एग्जांपल से समझेंगे। इसके अंदर देखिए कि ए लॉट ऑफ, ठीक है, यहाँ दे दिया। इसके बाद अनकाउंटेबल जो नाउन है वो राइट करेंगे हम, राइस इज बॉइल्ड इन द किचन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे हुआ है ये, हम एग्ज़ाम्पल में मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ कि देखो यहाँ पे दिया है lot of, जो वर्ड ऊपर दिए गए उनमें से दे दिया हमें lot of दे दिया, तो उसके बाद में हमने अनकाउंटेबल नाउन राइज लगा दिया। तो अगर वर्ब की जो बात हो रही है वो है तो सिंगुलर यूज़ होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर ही मैंने राइट किया, इसका यूज़ हमने किया है। अगर इनमें से कोई भी अगर दिया आता है हमें एग्ज़ाम के अंदर, तो इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा और हमने क्या करना है, जो वर्ब लगानी है वो क्या लगाएंगे हम, वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट रूल लेते हैं हम, ए गुड मैनी प्लस, ये जैसे दिए आते हैं तो इनके पास में हमने बाद में हमने क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है हमने, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, प्लस क्या आएगी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को, हम एग्जांपल करते हैं कि ए ग्रेट मैनी यहाँ दे दिया गया है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद में ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ब आएगी मैंने बताया है कि इस रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि वर्ब का जो होगा वो प्लूरल आई तो तब यहाँ हमने मैंने क्या लगाया है, आर का यूज़ किया है, तो ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे। अब यहाँ पे ये रूल होता है फॉलो, ऊपर वाला जो मैंने किया है, ए ग्रेट मैनी दे दिया गया है, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर एक गुड मैनी दिया होता यहाँ पे तो भी वर्ब जो आती वो क्या आती, प्लूरल ही आती। फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू वेरी मच।